नमस्कार, मैं हूं शिवानी चौधरी। क्रिकेट में आपका स्वागत है। आज है 20 अप्रैल दिन बुधवार। चलिए बढ़ते हैं आईपीएल से जुड़ी 15 बड़ी खबरों के साथ। ऑलराउंड प्रदर्शन के दम पर आरसीबी ने सुपर जायंट्स को दी मात। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 18 रन से जीत दर्ज की। आईपीएल के 31वें मुकाबले में बैंगलोर ने 181 रन का सफलतापूर्वक बचाव किया और लखनऊ को 163 रन के स्कोर पर रोका। बैंगलोर की इस सीजन की 5वीं जीत है और वह अब अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। बैंगलोर की तरफ से फाफ डुप्लेसी ने 96 रन बनाए तो वहीं जोस हेजलवुड ने 4 विकेट झटके। दिल्ली कैपिटल्स बनाम पंजाब किंग्स आईपीएल मैच का शेड्यूल बदला। दिल्ली कैपिटल्स टीम से जुड़े 5 सदस्य कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ऐसे में आईपीएल 2022 के 32वें मैच का शेड्यूल बदलना पड़ा है। ये मैच दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाना था, लेकिन कोरोना के केस दिल्ली के कैंप में आने के बाद इसे दूसरी जगह कराने का फैसला किया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई और आईपीएल के आयोजकों ने इस बात की जानकारी दे दी है कि अब दिल्ली बनाम पंजाब मैच पुणे में नहीं बल्कि मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में अपने निर्धारित समय पर और 20 अप्रैल को ही खेला जाएगा। रिटेन किए गए खिलाड़ियों का प्रदर्शन फीका। अनकैप्ड इंडियन प्लेयर्स दिखा रहे दम। 29 मैचों के बाद कुछ फ्रेंचाइजी रिटेन किए गए खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को देखकर माथा पीट रही होंगी। सीएसके के लिए मोइन अली, आरसीबी के लिए मोहम्मद सिराज और विराट कोहली, एमआई के लिए रोहित शर्मा और किरण पोलार्ड और डीसी के लिए अक्षर पटेल उस लिस्ट में शामिल हैं जो अब तक इस सीजन में उम्मीदों पर अब तक खड़े नहीं उतरे हैं। अब्दुल समद, यशस्वी जायसवाल और एनरिक नोकिया को तो टीम में जगह भी नसीब नहीं हो रही। इसके उलट जिन खिलाड़ियों को ड्राफ्ट सिस्टम के जरिए दोनों नए फ्रेंचाइजी ने चुना था वे लगातार अपने प्रदर्शन से धमाल मचा रहे हैं। इसी का परिणाम है कि नई टीमें अंक तालिका में पहले और दूसरे पायदान पर बनी हुई है। पावर प्ले से लेकर डॉट बॉल और इकोनॉमी रेट में केकेआर के गेंदबाज आगे। आईपीएल के 15वें सीजन में रविवार तक 29वें मुकाबले हो चुके हैं। इस गेंदबाज ऐसे हैं जिन्होंने हमेशा की तरह खुद को साबित किया है। इसमें कोलकाता के उमेश यादव अव्वल हैं। वे न सिर्फ पावर प्ले में विकेट निकाल रहे हैं बल्कि गेंदबाजी में भी कंजूस साबित हो रहे हैं। सबसे ज्यादा डॉट गेंदे भी उन्होंने ही की हैं। बेस्ट इकोनॉमी, सबसे ज्यादा मेडन ओवर, सबसे ज्यादा डॉट गेंद और पावर प्ले में सबसे ज्यादा विकेट के टॉप 5 में केकेआर का यह तेज गेंदबाज शामिल है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनका बेस प्राइस 2 करोड़ था और वे इतने में ही बिके थे। वे मौजूदा सीजन में सबसे सफल भारतीय गेंदबाज साबित हो रहे हैं। सोमवार को खेले गए आईपीएल के 30वें मुकाबले में आईपीएल फैंस को बेहद ही रोमांचक भरा मैच देखने को मिला, जहां राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स आमने सामने थी। राजस्थान ने यह मुकाबला कांटे की टक्कर से 7 रनों से जीत लिया, जहां बटलर के शतक और चहल की हैट्रिक ने सबका दिल जीत लिया। राजस्थान की इस जीत में स्पिनर युजवेंद्र चहल चमके, जिन्होंने सीजन की पहली हैट्रिक लेने के साथ अपने करियर का पहला 5 विकेट हासिल किया। लेकिन इस मुकाबले का एक और भी नजारा फैंस के दिलों को छू रहा है, वो है चहल की पत्नी धनश्री का चहल के हैट्रिक लेने के बाद का जश्न। चहल ने मैच में हैट्रिक हासिल करते हुए कुल 5 विकेट चटकाए, जिसे देखकर पूरा स्टेडियम झूम उठा। वहीं इसी बीच कैमरे में उनकी पत्नी धनश्री वर्मा का भी रिएक्शन कैद हुआ, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। बाउंड्री पर पैट कमिंस, शिवम मावी ने लपकाया सा अद्भुत कैच, हर कोई रह गया हैरान। राजस्थान और कोलकाता के बीच खेले गए मुकाबले में पैट कमिंस और शिवम मावी ने मिलकर आईपीएल 2022 का सबसे अद्भुत कैच पकड़ा। राजस्थान की पारी का 18वां ओवर सुनील नरेन करने आए थे। पहले गेंद पर रियान पराग ने गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजना चाहा, लेकिन लॉन्ग ऑफ पर खड़े कमिंस दौड़ते हुए आए और कमाल की छलांग लगाते हुए गेंद को एक हाथ से पकड़ा और फेंक दिया। इसके बाद आगे का काम शिवम मावी ने किया। मावी ने कमिंस की फेंकी गेंद को हवा में उड़ते हुए एक हाथ से लपक लिया, लेकिन अंपायर को लगा कि गेंद अब कमिंस के पास गई तो उनका पैर या शरीर का कोई अंग बाउंड्री को टच कर गया है। ऐसे में थर्ड अंपायर की मदद ली, लेकिन रिप्ले में साफ दिखा कि ये क्लीन कैच था। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन आईपीएल में कमेंट्री करने के लिए आए मुंबई। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन का एक बार फिर भारत का प्रेम जागा है। वह आईपीएल में आधिकारिक ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट्स के लिए कमेंट्री करते हैं और वो इसके लिए भारत आ रहे हैं। ऐसे में उन्होंने कुछ दिन पहले ही हिंदी में एक प्यारा मैसेज पोस्ट किया था। उन्होंने लिखा था कि आईपीएल में कमेंट्री करने के लिए भारत लौटने को लेकर बेहद उत्साहित हूँ। दुनिया में सबसे अच्छे आतिथ्य का अनुभव करना कुछ ऐसा है जिसे मैं भी हल्के में
नहीं लूंगा, कुछ घंटों में मिलते हैं भारत। पीटरसन के इस पोस्ट पर भारतीय क्रिकेट फैंस उनकी काफी तारीफ कर रहे हैं। बटलर के बाद शाहत बरकरार। इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें सीजन में एक से बढ़कर एक मुकाबले खेले जा रहे हैं। दिल्ली को छोड़कर सभी टीमों में 6 या इससे अधिक मैच खेल लिए हैं। इस दौरान रनों की बौछार देखने को मिली है। बल्लेबाजों के बीच टॉप पर बने रहने की जंग चल रही है। ऑरेंज कैप की रेस में कई धुरंधर शामिल हैं। राजस्थान के जोस बटलर का बल्ला हल्ला बोल रहा है तो हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे और शुभमन गिल भी किसी से पीछे नहीं है। कोलकाता के खिलाफ मैच में उन्होंने इस सीजन का दूसरा शतक लगाकर अपने रनों की संख्या को 375 कर लिया है। अब उनके खाते में 6 मैचों में 375 रन हो गए हैं और उनके आसपास भी कोई नहीं है। आईपीएल के 15वें सीजन में सोमवार को कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया मुकाबला कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। इस मुकाबले में पहली बार कुछ ऐसे रिकॉर्ड बने जो कि लीग के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ था। मैच में राजस्थान के जॉस बटलर ने सीजन का अपना दूसरा शतक ठोका तो वहीं युजवेंद्र चहल ने हैट्रिक सहित 5 विकेट अपने नाम किए। आईपीएल के 15 साल के इतिहास में यह पहली बार हुआ जब किसी एक ही मैच में किसी बल्लेबाज ने शतक लगाया हो, गेंदबाज ने हैट्रिक ली हो और साथ ही उसने मुकाबले में 5 विकेट अपने नाम किए हो। जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी रियान कैंपबेल। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी रियान कैंपबेल की अचानक तबीयत खराब हो गई है। रियान कैंपबेल हार्ट अटैक हुआ है जिसके बाद वह कोमा में चले गए। हालांकि उनकी हालात अभी भी नाजुक बनी हुई है। उन्हें लंदन के एक हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि वह अपने बच्चों के साथ मैदान पर घूमने गए थे जहां उनके सीने में दर्द शुरू हो गया। हालत इतनी बिगड़ गई थी कि राह चलते शख्स को उन्हें CPR देना पड़ गया। उमरान के मुरीद हुए विशप और सुनील। उमरान मलिक के इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें मुकाबले में अपनी एक अलग ही छाप छोड़ दी है। मलिक ने आईपीएल 2022 में कई दिग्गज खिलाड़ियों को अपनी रफ्तार का शिकार बनाया है जिसके बाद से ही वह सुर्खियों में आ गया है। आए दिन कोई न कोई उमरान मलिक की गेंदबाजी की तारीफ करते हुए नजर आता है। अब हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज सुनील गावस्कर और विंडीज खिलाड़ी इयान बिशप ने भी उनकी जमकर तारीफ की है। इयान बिशप ने स्टार स्पोर्ट्स पर बात करते हुए उमरान मलिक के लिए कहा कि जब से मैंने उसे पिछले साल गेंदबाजी करते हुए देखा था तब से मैं उस खिलाड़ी को लेकर उत्साहित हूं। वास्तविक गति आप सुपरमार्केट में जाकर उसे नहीं खरीद सकते। आप किसी को लाइन और लेंथ में महारत हासिल करने के लिए ट्रेनिंग कर सकते हैं लेकिन किसी को तेज गेंदबाजी करना नहीं सिखा सकते। मैकलम के साथ बल्लेबाजी करने की याद करते हुए रिकी पॉन्टिंग ने दी बड़ी प्रतिक्रिया। मैकलम ने तब सुर्खियां बटोरी थी जो KKR के लिए टूर्नामेंट के पहले मैच में RCB के गेंदबाजों को जमकर धोया। पॉन्टिंग ने उस मैच को याद करते हुए कहा, हम वास्तव में खेल की गति या स्कोर के बारे में नहीं जानते थे। ब्रेंटन बल्लेबाजी पारी की शुरुआत कर रहे थे और मैं 3 पर बल्लेबाजी कर रहा था और उस मैच में उन्होंने एक ही अंदाज में शुरुआत की। ऐसा लग रहा था कि वह जो कुछ भी हिट कर रहा है वह बल्ले से उड़ रहा था। मैं उसे धीमा करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वह और तेज खेलता जा रहा था और एक शानदार पारी खेल रहा था। टूर्नामेंट के पहले मैच को देखने से बेहतर और क्या हो सकता है कि कोई वहां जाकर 158 रन बना ले। युजवेंद्र चहल ने हैट्रिक विकेट लेने के बाद अपने अनोखे सेलिब्रेशन का कारण बताया। राजस्थान रॉयल्स के स्पिन गेंदबाज युजवेंद्र चहल ने KKR के खिलाफ हैट्रिक विकेट लेकर नया कीर्तिमान बना दिया है। अपना हैट्रिक पूरा करने के बाद चहल ने एक खास अंदाज में सेलिब्रेशन किया जिसे सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है। चहल ने बताया कि उन्होंने क्यों इस तरह का सेलिब्रेशन किया। मैच के बाद अपने इस अनोखे सेलिब्रेशन को लेकर उन्होंने कहा कि ये 2019 में वायरल हुई मीम की तरह था। 2019 वर्ल्ड कप के दौरान जब मुझे मैच में मौका नहीं मिला था तो इस तरह के बाउंड्री के पास लेटा था। हर्षल पटेल ने बदला अवतार, बल्ला उठाकर जड़े नो लुक सिक्स। RCB के हर्षल पटेल का यह वीडियो अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से शेयर किया गया है जिसमें वह कड़ी मेहनत करते दिख रहे हैं। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि प्रैक्टिस के दौरान हर्षल पटेल गेंदबाजी के साथ साथ किसी दिग्गज बल्लेबाज की तरह नो लुक सिक्स भी जड़ रहे हैं जिसको देखते हुए वह काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। विराट ने आंखों से उगली थी आग। सूर्य कुमार यादव बोले, अंदर से फटी पड़ी थी। IPL 2024 के एक मैच के दौरान विराट कोहली और मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव के बीच मैदान पर आंखों आंखों में जंग चली थी जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हुआ था। उस वक्त क्या माहौल था इससे सूर्य कुमार यादव ने अब ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस शो में इंटरव्यू के दौरान पर्दा हटाया। सूर्य कुमार यादव ने कहा,
कहा कि विराट कोहली का अपना स्टाइल है, उनका जो एनर्जी लेवल है वो अलग ही होता है ग्राउंड पर। वो मैच दोनों टीमों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, तो अगली लेवल पर था उनका स्लेजिंग उस मैच में। लेकिन मैं खुद पर फोकस था कि बॉस कुछ भी हो जाए अपना फोकस हटाना नहीं है, मैच तो जीतना है कैसे भी करके, और बोलना कुछ नहीं है। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आज के मैच में किसका पलड़ा भारी है, दिल्ली या फिर पंजाब? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। क्रिकेट की तमाम खबर और रिकॉर्ड्स के साथ बने रहने के लिए देखते रहें चक द क्रिकेट। धन्यवाद।